पिक्सेल ऐप को ओपन करना है, उसके बाद न्यू टेक्स्ट पे क्लिक करके हमें जाना है और एडिट में जाके यहाँ पे नेम लिखना है, उसके बाद ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद एवी फोन में जाना है, उसके बाद ऊपर जो माई फोन से वहाँ जाना है। जाने के बाद फ़ोन को मैंने डिसलेक्ट कर दिया था, फिर से सिलेक्ट करके फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद साइज़ में जाना है, साइज़ में जाने के बाद साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो मैंने 242 कर दिया। उसके बाद ओके करना है, ओके करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके फॉर्म गैलरी से अभी PNG चूज करना है, तो मैंने ये दिया PNG चूज किया। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है, करने के बाद बीच में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इरेज कलर पर जाना है। इरेज कलर पर जाने के बाद इरेज कलर ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद टॉलरेंस को इंक्रीज करना है, तो मैंने टॉलरेंस को 20 कर दिया। देन उसके बाद राइट क्लिक कर देना है, करने के बाद कलर में जाके कलर ऑप्शन को इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद कलर को चेंज करना है और कलर रखना है वाइट। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है, उसके बाद इस DIPNG को फ़ोन के ऊपर सेट करना है। सेट कर लेने के बाद कॉपी ऑप्शन में जाके सेट करना है, कॉपी में जाके कॉपी करना है DIPNG को। देन फ़ोन के ऊपर सेट कर लेना है, वीडियो को स्किप करके मैंने सेट कर दिया। देन उसके बाद नीचे जो डबल टैप है वहाँ जाके ट्रांसपेरेंट में जाना है। ट्रांसपेरेंट में जाने के बाद ऊपर जो मेमोरी कार्ड ऑप्शन है वहाँ जाके सेव एज इमेज करना है PNG को। देन उसके बाद डिफ़ॉल्ट को अल्ट्रा करना है। अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी कर लेना है। देन उसके बाद PSCC ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद पिक्चर को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद प्लस आइकन पे क्लिक करके फ़ोटो लेयर से फ़ोन को भी सिलेक्ट कर लेना है और पिक्चर के ऊपर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद राइट क्लिक करना है और प्लस आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके टू डुप्लीकेट लेयर करना है। देन उसके बाद फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद इन्वर्ट करना है, करने के बाद डबल टैप में क्लिक करके फर्स्ट लेयर को स्क्रीन करना है। देन उसके बाद सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाना है। इफेक्ट्स में जाने के बाद बेसिक में जाके ड्रॉप शेडो में जाना है। ड्रॉप शेडो में जाने के बाद एंगल 90 रख के राइट क्लिक करना है। देन सेकेंड लेयर को ब्लेंडिंग मोड को मल्टीप्लाई करना है। देन थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके एफेक्ट्स में जाना है, उसके बाद बेसिक में जाके बेबल में जाना है। ब्लर रखना है 10, डिस्टेंस को भी 10 रखना है, कलर को रखना है वाइट एंड एंगल को 180 रखना है, 180 डिग्री रखना है पहले फर्स्ट टाइम। देन फिर से बेबल देना है, सिर्फ एंगल ही चेंज करना है, ब्लर सेम डिस्टेंस रहेगा। इस बार एंगल रखना है 90 डिग्री। देन फिर से राइट क्लिक कर देना है, फिर से बेबल देना है, इस बार एंगल रहेगा 45 डिग्री। देन फिर से बेबल देना है, तो इस बार एंगल रहेगा 135 डिग्री। देन 135 डिग्री करना है। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है, करने के बाद थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके एडजस्ट में जाना है और कर्व को सिलेक्ट करके कर्व को सेट करना है, तो ऐसे कर्व को सेट कर लेना है।
तो आप लोग देख सकते हैं मैंने गार्फ को सेट कर लिया सेम ऐसे ही करना है। देन उसके बाद फर्स्ट लेयर में जाना है और इफेक्ट्स में जाके ग्लो लगाना है, बेसिक में जाके ग्लो देना है, ब्लर को रखना है 0.5 टू टाइम्स देना है ब्लर, सॉरी ग्लो, तो टू टाइम्स देना है ग्लो। देन उसके बाद सेकंड लेयर में आना है और नीचे जो पेंसिल आइकन है उस सॉरी मैजिकल स्टिक है उसको सिलेक्ट करके नीचे जो मोड है उसको क्लास करना है। देन उसके बाद फ़ोन को सिलेक्ट कर लेना है एक साथ क्योंकि सेम कलर ही करना है इसलिए। देन सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद फिल एंड स्टॉक में जाके कलर फिल करना है, तो मैंने ये कलर फिल कर दिया। यहाँ जाके कलर को ऐसे एडजस्ट करना है, देन उसके बाद टिक करने से सेकंड लेयर पर कलर सेट हो जाती है। तो यहाँ पे कलर आ चुकी है क्योंकि मैंने ऐड किया है। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है, करने के बाद अभी डिसलेक्ट कर देना है। देन अभी इस दिए पीएनजी के जो बॉल है राउंड बॉल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेकेंड लेयर को सिलेक्ट करके एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाके कलर फिल करना है। तो मैंने कलर फिल कर दिया। देन उसके बाद बीच में जो रह गया है उसको भी सिलेक्ट कर लेना है डी आई पी के बीच में गैप को। देन सिलेक्ट करने के बाद फिर से एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद फिल एंड स्ट्रोक में जाके अभी कलर फिल करना है। तो मैंने इस कलर को सेट किया। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है कलर सेट करके, अभी इस पीएनजी में नॉइस लगाएंगे। उसके लिए अभी फर्स्ट लेयर में जाना है, फर्स्ट लेयर में जाने के बाद एंड में जाना है, एंड में जाने के बाद फिल एंड स्टॉक में जाना है, जाने के बाद ग्लो को नॉइस रखना है, देन टाइप को नॉइस करना है, ग्लो को कलर को वाइट रखना है और टाइप को नॉइस करना है। देन उसके बाद अमाउंट रखना है 8 और राइट क्लिक करना है। देन उसके बाद फिर से नेक्स्ट दिया पीएनजी, उसके बाद इस दिया को भी सिलेक्ट करना है। करने के बाद सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके सेकंड एंड में जाना है, उसके बाद फिल एंड स्टॉक में जाके कलर फिल करना है, टाइप को रखना है फिल और जो कलर है उसको चेंज करना है। देन मैंने कलर चेंज कर लिया, उसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद अभी एंड में जाना है, एंड में सॉरी फर्स्ट लेयर में जाना है, फर्स्ट लेयर में जाने के बाद एंड में जाना है और फिल एंड स्ट्रोक में जाना है, और जाने के बाद कलर को वाइट करना है और टाइप को नॉइस रखना है। देन उसके बाद अमाउंट को 8 करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, देन उसके बाद वीडियो को स्किप करके मैंने उसको भी कलर कर दिया, लास्ट दिया को कलर रेड रखा और फिर नॉइस लगाया।
देन साइड बॉर्डर को भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकेंड लेयर में आना है। आने के बाद एन में जाके फिल एंड स्ट्रोक में जाना है और कलर फिल करना है, टाइप को फिल रखना है। देन उसके बाद से कलर सेट कर लेना है और राइट क्लिक करना है। तो बॉर्डर में येलो कलर लगाया मैंने। देन उसके बाद प्लस आइकन पर क्लिक करके फोटो लेयर में जाना है। फोटो लेयर में जाने के बाद पीएनजी को मैंने सिलेक्ट किया, स्टार पीएनजी को। अभी फ़ोन के बीच जो स्टार पीएनजी है वह सेट करेंगे, तो इसे सेट कर लेना है। करने के बाद पेंसिल आइकन में जाके कॉपी करना है पहले, उसके बाद पेस्ट करना है सिर्फ, इसलिए मैंने वीडियो को स्किप करके स्टार पीएनजी को सेट किया। देन उसके बाद लेयर ज़्यादा हो गया तो डबल टैप में जाके बीच में जाना है और मास्क डाउन करना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं लेयर मैंने कम कर दिया। देन फर्स्ट लेयर में जाना है और जाने के बाद पेंसिल आइकन में जाके कॉपी करना है स्टार पीएनजी को। देन उसके बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाना है और पेस्ट करना है स्टार पीएनजी को। और सेट कर लेना है। देन फिर से पेस्ट करते जाना है। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है। करने के बाद अभी हम फोटो लेयर में जाके पीएनजी को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद काट करेंगे। काट करने के बाद इस पीएनजी को सिलेक्ट करके टच करके बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है इस पीएनजी को। देन उसके बाद पेंसिल आइकन में जाके काट कर लेना है बैकग्राउंड को। देन डिसलेक्ट करना है पेंसिल आइकन में जाके। देन उसके बाद लेयर को सिलेक्ट करके डबल टैप में जाके पहले मर्ज डाउन करेंगे लेयर को। देन मर्ज डाउन करना है। करने के बाद इस पीएनजी की लेयर को सिलेक्ट करना है। करने के बाद एन में जाना है। एन में जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाके पीएनजी को इसे सेट करेंगे। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है। इस पीएनजी को सिलेक्ट करके पेंसिल आइकन में जाके पहले कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके पेस्ट करना है। तो वीडियो को स्किप करके मैंने पेस्ट कर दिया और सेट कर दिया पीएनजी को। देन फिर से लेयर में आके डबल टैप में जाके बीच में जाके मार्ज डाउन करना है। तो मैंने मार्ज डाउन कर लिया। देन फिर से फोटो लेयर से मैंने पीएनजी को सिलेक्ट किया, दूसरी पीएनजी को और सेट किया। देन फिर से कॉपी करना है पेंसिल आइकन में जाके, उसके बाद पेस्ट करते जाना है सिर्फ। तो मैंने वीडियो को स्किप करके पीएनजी को पेस्ट कर लिया और सेट कर दिया। देन उसके बाद फिर से लेयर को सिलेक्ट करके डबल टैप में जाके मार्ज डाउन करना है। तो आप लोगों को पता ही है कैसे मार्ज डाउन करना है, इसलिए फोटो लेयर में जाके मैंने लाइट पीएनजी को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद लाइट पीएनजी को बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके पेंसिल आइकन में जाके काट कर लेना है। देन लाइट पीएनजी को सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसे लाइट पीएनजी को सेट करना है और राइट क्लिक करना है। देन सिलेक्ट करके पेंसिल आइकन में जाके कॉपी करना है और फिर से पेश करते जाना है। तो मैंने वीडियो को स्किप करके लाइट, देन मैंने दूसरा पटाखा पीएनजी उसके एंड पेंसिल आइकन में जाके सिर्फ काट किया बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके। उसके बाद एंड में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके मैंने पीएनजी को ऐसे सेट किया। देन उसके बाद राइट क्लिक करना है। अभी इस पीएनजी को नीचे लेके आना है ताकि नीचे चले जाए। देन फिर से फोटो लेयर में जाके मैंने लाइट पीएनजी को सिलेक्ट किया।
सिलेक्ट करने के बाद पेंसिल आइकन में जाके पहले कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद फिर से पेंसिल आइकन में जाके पेस्ट करना है और इसे सेट कर देना है। तो मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया और लाइट पीएनजी को सेट कर दिया। देन फिर से डबल टैप में जाके बीच में जाके मार्च डाउन कर लेना है। देन फिर से फोटो लेयर से मैंने लाइट पीएनजी को सिलेक्ट किया और सेट कर दिया। देन उसके बाद फिर से सिलेक्ट करके डबल टैप में जाके बीच में जाके मार्च डाउन कर लेना है और लेयर को कम करना है। देन अभी पिक्चर को मैं ब्लर करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। पीएनजी पूरी तरह रेडी है, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लगा है।